तो देखो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, टिश्यू का ब्रेकडाउन। इसको समझने से पहले थोड़ा सा देख लो कि डायरिया और डिसेंट्री में क्या डिफरेंस है, ठीक है। डायरिया समझ रहे हो ना, नाम तो सुने होगे। तो डायरिया और डिसेंट्री में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा तुम देख लो। जैसे देखो ये पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, दिख रहा है वहां, दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये वाला पार्ट हो गया मान लो लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मान लो कोई पैथोजन आया, बैक्टीरिया वायरस या प्रोटोजोआ आया, तो ये देखो तो कहां रहना पसंद करेगा, ये ए पे कि बी पे। तो एक एक करके देखते हैं कहां रहेगा। मान लो ए पे रहेगा तो क्या करेगा, ये वाल को नोचेगा, वहां से ब्लड पिएगा, ब्लड जब भी पिएगा तो कुछ देर में WBC आएगा, मारपीट होगा दोनों में, ठीक है, दोनों में मारपीट होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे मारपीट होगा तो इसको तो हमेशा लड़ना ही पड़ेगा, और यहां पे देखो यहां पे क्या होगा, ये हम लोग का वेल डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब फूड को ये खाते रहेगा, कोई ब्लड का कोई कनेक्शन नहीं, लफड़ा नहीं कोई, ठीक है। तो ऑब्वियस है एनिमल कहां रहना पसंद करेगा, यहां रहेगा यहां नहीं रहेगा। अब देखो जब यहां रहेगा तो हम लोग जो खाना खाते हैं डाइजेस्ट हो जाता है, वो एब्जॉर्ब होके लीवर फिर हार्ट में जाता है, हार्ट से पूरे बॉडी ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब ही अब ये यहां पे है तो ऑब्वियस है ये कुछ तो खाना खा रहा होगा। तो अब मान लो कि हार्ट जो है वो ब्रेन को ब्लड सप्लाई किया, ब्रेन को सप्लाई किया तो उसको 250 ग्राम ही खाना मिला, तो ब्रेन जो है तुरंत फोन करेगा हार्ट को कि भाई आज क्या हुआ, इतना कम खाना दिया है। तो हर्ट बोलेगा कि क्या करें, आज तो कम खाना ही आया है, तो पता नहीं काहे ये आदमी कम खाना खाया है या भूख हड़ताल पे है टाइप से, इस तरह का कुछ भी। तो ब्रेन बोलेगा कि नहीं, हम तो देखें पूरा थाली भर के खाया है आज, ठीक है। तब ब्रेन तुरंत समझ जाएगा इसका मतलब खाना तो ये खाया है, मतलब कोई लूट रहा है खाना। तब वो क्या करेगा, सबसे पहले WBC को फोन करेगा कि WBC तुम थोड़ा दौड़ के देखो तो कहीं कोई लूट वूट हो रहा है क्या। तो WBC बोलेगा नहीं, हम पूरा ढूंढ के आ गए हैं। तब ब्रेन समझ जाएगा इसका मतलब इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में कोई फंसा हुआ है, वो तुरंत रेट ऑफ पेरिस्टॉल्सिस को बढ़ा देगा। रेट ऑफ पेरिस्टॉल्सिस को जब ही बढ़ाएगा तो समझ ही रहे हो देखो खुलासा हुआ, इसको कहेंगे डायरिया, ठीक है। अब देखो कोई पैथोजन लार्ज इंटेस्टाइन में है तो देखो तो कहां रहेगा, ए पे कि बी पे। तो देखो बी पे अगर रहेगा तो यहां लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड मैटर है, फिकल मैटर है, इसमें तो खाने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहां रहेगा नहीं, वो यहां रहेगा नहीं तो रहेगा यहीं पे। यहां जब ही रहेगा तो क्या खाएगा, ऑब्वियस है ब्लड को खाएगा, ब्लड को खाएगा तो ऑब्वियस है यहां भी WBC आएगा, लेकिन इसको तो आदत है वहां, ये तुरंत क्या करेगा, कुछ तो WBC से मर भी जाएगा लेकिन कुछ वहां से तुरंत भाग जाएगा इधर, ठीक है। भागेगा तभी तो तुरंत क्या होगा, WBC फोन करेगा ब्रेन को कि देखो भाई वहां खा रहा था ब्लड खा रहा था, हम दौड़ाए तो भाग गया, ठीक है। तो ब्रेन समझ जाएगा, ब्रेन तुरंत क्या करेगा, रेट ऑफ पेरिस्टॉल्सिस को बढ़ाएगा, रेट ऑफ पेरिस्टॉल्सिस बढ़ाएगा तो यहां भी लूज मोशन होगा, लेकिन यहां पे दीवार को काट के ना ब्लड पिया था तो ये लूज मोशन के साथ क्या होगा, ब्लड भी आएगा। तो ब्लडी फुल डायरिया इज कॉल्ड डिसेंट्री। तो समझ पा रहे हो डिसेंट्री किसको कहेंगे। अब यहां नाम देखो, टिश्यू का लाइसिस ब्रेकडाउन करने वाला क्या कहां पे रहना पसंद करेगा, ऑब्वियस लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से कौन सा बीमारी होगा, तो हम लोग कह सकते हैं अमीबिक डिसेंट्री या सिंपल डिसेंट्री कह सकते हो, ठीक है। ये क्या है समझ रहे हो। अब देखो एंटामीबा जो है, एंटामीबा किस तरह का है, तो सबसे पहले देखो एंटामीबा को हम लोग कहते हैं इट इज मोनोपोडियल। जैसे अमीबा में क्या देखते हैं कि अमीबा स्यूडोपोडिया कहीं भी बना सकता है किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन एंटामीबा में ऐसा नहीं होता है, एक ही तरफ, मोनो मतलब वन, पोडियल मतलब लेग या पैर, एक ही तरफ उसका स्यूडोपोडिया होगा, स्यूडोपोडिया इन वन डायरेक्शन वनली, ठीक है, समझ रहे हो इसको, वन डायरेक्शन वनली। दूसरा क्या, नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो इससे पहले एक लेक्चर दिए थे, वीडियो लेक्चर, उसमें बताए थे कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मेरीन फॉर्म या पैरासिटिक फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। यहां पर क्या है कि ये पैरासाइट है तो ऑब्वियस है नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है इसमें कि इसका बॉडी का कंसंट्रेशन हमारे टिश्यू फ्लूइड के कंसंट्रेशन के बराबर है, मतलब इसके बॉडी में जितना पानी है उतना ही हमारे बॉडी में पानी है, तो ना तो पानी अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं क्यों है, उसका मेन कारण होगा इट इज आइसोटोनिक टू होस्ट,
ये हम लोगों के या होस्ट के बॉडी के कंसंट्रेशन के बराबर है, आइसो है, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसका लाइफ साइकिल को थोड़ा देखते हैं, क्या है लाइफ साइकिल। तो देखो जैसे ये हुआ लार्ज इंटेस्टाइन, अब लार्ज इंटेस्टाइन में एंटामीबा ब्लड पीने के लिए आया, ब्लड पिया तो पूरा पेट उठ फुला के ब्लड पिया। अब देखो जैसे तुम पढ़ते हो ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब फूड, जो फूड खाना खाने वाला है, तो ए को हम लोग कह सकते हैं ना, ये कौन सा स्टेज हुआ, ट्रोफोजोआइट स्टेज, ट्रोफोजोआइट स्टेज। ट्रोफ मतलब क्या हुआ, फूड, जू मतलब एनिमल, ज्वाइट मतलब एनिमल का बच्चा, तो ट्रोफोजोआइट स्टेज में हम कह सकते हैं कि ये एक्टिव फीडिंग स्टेज है। इसी स्टेज में पेशेंट को तेज ममोड़ दर्द होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, तो हम लोग कह सकते हैं ना ये पैथोजेनिक स्टेज है, बीमारी कराने वाला स्टेज, ठीक है। अब क्या होगा, तुम जानते हो WBC आना शुरू होगा, WBC आएगा तो ये दौड़ के भागेगा, यहां आ जाएगा, अपने बॉडी में जितना भी RBC खाया था वो RBC को डाइजेस्ट करके या तो एब्जॉर्ब कर लेगा, या कुछ को ग्लाइकोजन के रूप में, फूड रिजर्व के रूप में रख लेगा, एनिमल का फूड रिजर्व ग्लाइकोजन होता है, तो समझ रहे हो ये हो गया। तीसरा आप देखो यहां जान रहा है ये कि रेट ऑफ पेरिस्टाल्सिस बढ़ेगा, हमको बाहर जाना पड़ेगा, बाहर कैसा एनवायरनमेंट है, गर्मी है क्या है, तो जानता नहीं है बेचारा, तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, ऊपर हार्ड कोट पैंट वगैरह सब लगा लेगा, ये सी नंबर स्टेज हो गया। इसको हम लोग कह सकते हैं ना, कोट पैंट लगाया तो इसको कह सकते हैं सिस्टिक स्टेज, बोल सकते हैं, तो इसको नाम दे सकते हैं प्री सिस्टिक स्टेज। अब देखो यही सिस्टिक स्टेज जो है ये साग पे या गोभी उभी पे लटक गया, अब फिर उसको गोभी को हम लोग खाएंगे तो हम लोग के बॉडी में पहुंचेगा, तो कह सकते हैं ना ये इन्फेक्टिव या इन्फेक्शियस स्टेज है, बोल सकते हैं। ये स्टेज में क्या होगा, ये अपना रिजर्व फूड मटेरियल वगैरह को खाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, NC रेशियो बढ़ेगा, NC रेशियो बढ़ेगा तो न्यूक्लियस इसका चार पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसी स्टेज को हम लोग ये नाम भी देते हैं क्वाड्री न्यूक्लिएट स्टेज, ठीक है, क्वाड्री न्यूक्लिएट स्टेज। अब इसमें बाइनरी फिशन हुआ, चार एंटामीबा बन गया, आदमी में पहुंच गया, फिर तो इसका लाइफ साइकिल समझ रहे हो।